Definitely is the most important thing, because without the spectator you can't play, because that love your chair, you always admire that and you always play for them. So I think after COVID is a very hard thing for everyone. So after that we're coming back and just we're trying our best and just give that happiness and that joy to our spectators. I think यंग टैलेंट को चांस दिया हमने, तो वी हैव टू बी गिव हिम प्रॉपर टाइम, बिकॉज हर किसी के लिए इतना आसान नहीं होता, बिकॉज सडनली सारी चीज़ें हुई हैं. श्रेयस पहले कैप्टनसी कर रहे थे, उसके बाद नीतीश आए, सो नीतीश ऑल्सो नीड सम टाइम, बिकॉज एक दो मैच उन्हें प्लान करने में समझने में लगेगा, क्योंकि डोमेस्टिक में करना और यहाँ इस लेवल पर IPL में आके कैप्टनसी करना काफ़ी डिफरेंट होता है, क्योंकि ये हाई प्रेशर गेम है. क्योंकि डोमेस्टिक में आप आराम से सब कुछ मैनेज कर लेते हैं, बट मुझे लगता है कि नीतीश राणा कैपेबल है, और मुझे लगता है कि एक मैच हो चुका है तो दूसरे मैच में ही नोज मोर बेटर कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या चेंजेस करने चाहिए. तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे मैच खेलते जाएंगे, उनके आइडियाज़, उनका जो कैपेबिलिटी है, उनकी एबिलिटी है, वो सामने आएगी और वो कॉन्फिडेंस उनको मिलता जाएगा, क्योंकि ऑल टीम सपोर्टिंग हिम, सो सब हम उनके साथ हैं. बिकॉज इतना आसान नहीं था उनके लिए भी, क्योंकि सडनली मैच से 2-3 दिन पहले यानी आपको पता चलता है कि आप कैप्टन हो और उसके बाद सब कुछ चेंज हो जाता है. सो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी है उन्हें, और उनके रन भी बनाने हैं और सारे टीम को भी साथ में लेके चलना है. तो आई थिंक ही नीड अ सपोर्ट. सो मुझे लगता है कोच हो या सपोर्ट स्टाफ हो, टीम हो, सारे उनके साथ हैं. एंड वी जस्ट ट्राइंग आवर बेस्ट कि उनको जितना चाहिए उतना हम सपोर्ट दे सकें, क्योंकि यहाँ पर जो भी एनवायरनमेंट है मुझे लगता है कि मेरे लिए नया नहीं था, बट जो अदर टीम्स है उनके लिए नया था, क्योंकि जो उनके अंडर में खेले हैं उन्हें पता है कि क्या होने वाला है, और उनके जो मेथड्स है, जो उनका थिंकिंग है प्रैक्टिस को लेके, या जो उनकी थेरीज हैं, वो आपको पहले हमें पहले ही पता है जो हम उनके अंडर खेले हैं. जो नए लोग थे उनके लिए नया है, बट मुझे लगता है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी मज़ेदार उनकी थेरी है, क्योंकि जब आप उनके साथ इन्वॉल्व होते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम और मोर टाइम यू जस्ट थिंक अबाउट द क्रिकेट प्लानिंग, क्या करना है, कैसे करना है. तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उनका गेम प्लानिंग और थिंकिंग बहुत अच्छा है, और वो उस जोन में और उस आइडिया से प्लान करते हैं कि क्या करना है हमें. कोशिश पूरी रहेगी, और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से हमारा बैटिंग लाइनअप भी है, बॉलिंग भी है, इज़ बेटर, क्योंकि अब जिस हिसाब से टीम है हमारी, हमारे पास काफ़ी ऑलराउंडर्स हैं, तो हमारा जो बैटिंग लाइनअप है काफ़ी डीप है. सो इट डिपेंड्स, अब ये नहीं बोल सकते कि 100% कि हाँ, क्योंकि सारी टीमें खेल रही बस, बट इतना है कि वी विल ट्राई अवर बेस्ट कि जो कप है इस बार हम जीते और घर लेके आए, और कि जो एक गैप हो गया है कप जीते हुए, काफ़ी टाइम हो गया है, तो वी जस्ट ट्राई कि वो गैप ख़त्म करें और तोड़े और कप घर लेके आए. हाँ डेफिनेटली, बिकॉज दिस इज़ अ क्वाइट ब्यूटिफुल जर्नी विथ KKR. सो या आई एम एन एंड अ गुड मेमोरी ऑल्सो. सो बिकॉज वी वॉन द 2014 वेन आई वॉज विद द KKR, सो दैट इज़ द ब्यूटिफुल मेमोरी विथ मी, बिकॉज दैट ओनली कप आई वॉन विद द विथ KKR. सो या डेफिनेटली, एंड टीम इज़ वेरी गुड नाउ, एंड वी आर आवर बैटिंग लाइनअप ऑल्सो इज़ गुड. सो आवर टीम मेट्स एंड चंदू सर ऑल्सो केम इन टू द टीम, एंड हिज थिंकिंग आइडियाज इज़ टोटली डिफरेंट. सो या वी इन्जॉइंग ईच अदर कंपनी एंड जस्ट ट्राइंग टू बैक ईच अदर्स एंड जस्ट सपोर्टिंग ईच अदर्स. काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू डोंट नो, बिकॉज यू कीप प्लेइंग और सडनली समथिंग इज़ हैपन, स्मॉल लीगल हो, जो भी हो, बट मुझे लगता है कि जो प्लेयर ऑल द थ्री फॉर्मेट्स खेल रहे हैं, उसके बाद जो बाकी छोटे मोटे टूर्नामेंट्स भी खेल रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप सारे मैचेस खेल रहे होते हो तो बॉडी में टेयर और थोड़े बहुत निगल्स होने के चांसेस होते हैं, बट अगर आप उसको रिकवरी और ठीक होने का टाइम नहीं देते हैं, तो वो इंजरीज बड़ी इंजरीज में डेवलप होती हैं. तो मुझे लगता है दिस इज़ अ गुड कॉल फॉर द फास्ट बॉलर, और सिर्फ फास्ट बॉलर के लिए नहीं, सभी के लिए, बिकॉज आपको पहले पता नहीं चलता आप कंटिन्यू खेल रहे होते हो, वो बैट्समैन हो या बॉलर हो, जब इंजरीज वो बड़ी होती है उसके बाद जब वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने लगती है, तब आपको समझ आता है कि नहीं, सडन टाइम पे मुझे ब्रेक लेना था, यानी या फिर तो 2-3 मैच में बैठ के आराम कर सकता था. तो डेफिनेटली BCCI ने अच्छा कदम उठाया है कि उन्होंने लोड मैनेजमेंट पे ध्यान दिया है, और उसके लिए जो भी उनको चाहिए वो कर रहे हैं, और दे ट्राइंग टू कि सारे प्लेयरों को सेफ रखें और बड़े टूर्नामेंट के लिए वो रेडी रहे.